नमस्कार दोस्तों, विश्व अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 में है परिभाषा। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 37। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 36 में लोक कल्याण की अभिवृत्ति अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। अनुच्छेद 39 समान काम करने के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन, संस्थाओं का उचित वितरण। अनुच्छेद 39 के इसमें निःशुल्क विधि सहायता दी गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 कुछ दशा में सरकारी सहायता जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगों को साइकिल। अनुच्छेद 42 न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध करना जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिए जाए कि परिवार चला सके। अनुच्छेद 43 का कह उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 44 सामान्य सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए व्यवहार एवं ताल की शर्तें समान रहेंगी भले ही विवाह की रीतियां अलग हों। अनुच्छेद 45 छः वर्ष से कम आयु के बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान सरकार की जिम्मेदारी है तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 46 में SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 47 सरकार पेशायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाओं एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। अनुच्छेद 48 का कह पर्यावरण बंद तथा वन्य जीव रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना है। अनुच्छेद 51 इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत UNO का सदस्य बना है। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।